नमस्कार, मैं हुशवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 5 सितंबर, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय संस्कृति में है गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका। जमीन रजिस्ट्री कराने वाले ग्रामीणों के लिए बड़ी खुशखबरी। क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में कुल 18 बच्चों ने मारी बाजी। सरकारी विद्यालयों में होगा बाल संसद का गठन। प्रदेश में अक्टूबर के मध्य तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय संस्कृति में है गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। संत कबीर के शब्दों से भारतीय संस्कृति में गुरु के उच्च स्थान की झलक मिलती है। भारतीय बच्चे प्राचीन काल से ही आचार्य देवो भव का बोध वाक्य सुनकर ही बड़े होते हैं। शिक्षक दिवस गुरु की महत्ता बताने वाला प्रमुख दिवस है। गुरु को आदर तथा धन्यवाद देने के लिए एक दिन निर्धारित है, जो कि आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है। शिक्षक का समाज में आदरणीय और सम्माननीय स्थान होता है। आपको बताते चले कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस और उनकी स्मृति के उपलक्ष में मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस एक पर्व की तरह है, जो शिक्षक समुदाय के मान सम्मान को बढ़ाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन को गुरु दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है। विश्व के विभिन्न देश में भी अलग अलग तारीखों में शिक्षक दिवस को मनाते हैं। बहुत सारे कवियों गद्यकारों ने कितने ही पन्ने गुरु की महिमा में रंग डाले हैं। HAL ने अप्रेंटिस पद के 82 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूचना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने विभिन्न डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 82 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री और डिप्लोमा पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। इंटरव्यू की तारीख 12 सितंबर से 14 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.halindia.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। मखाना किसान सब्सिडी पाने के लिए आज से करें आवेदन। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना के नाम से मिथिला में उगाए जाने वाले मखाने को GI टैग दिया है। इसके साथ ही राज्य में मखाना की उच्च प्रजाति के बीच उत्पादन, उसका प्रत्यक्षण व क्षमता वर्धन के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से मखाना विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि व उद्यान विभाग की ओर से उन्हें विशेष फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत मखाना विकास योजना के तहत जिले के लिए 145 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा मखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 72,750 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। आपको बताते चले कि मखाना की खेती पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान उद्यानिक विभाग के पोर्टल पर 5 से 20 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर बिहार के रेल यात्रियों के लिए अहम सूचना। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, उत्तर बिहार से पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की ओर से हावड़ा एवं सियालदह से 2 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दुर्गा पूजा के भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पश्चिम बंगाल के लिए 2 जोड़ी ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है। यह ट्रेनें साप्ताहिक होंगी। आपको बताते चले कि पहली ट्रेन हावड़ा से रक्सौल के लिए चलेगी, जबकि दूसरी ट्रेन सियालदह से गोरखपुर के लिए चलाई जाएगी। हावड़ा से चलने वाली विशेष ट्रेन का 1, 8, 15, 22 और 29 अक्टूबर को हावड़ा से रक्सौल के लिए परिचालन होगा, जो मुजफ्फरपुर सुबह 10:45 में पहुंचेगी। वहीं यही ट्रेन रक्सौल से हावड़ा के लिए 2, 9, 16, 23 और 30 अक्टूबर को हावड़ा के लिए रवाना होगी। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। जमीन रजिस्ट्री कराने वाले ग्रामीणों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार देश का पहला राज्य बनेगा जहां जमीन के निबंधनार्थी के लिए मुफ्त में बस की सुविधा बहाल होगी। जी हां, सरकार ने यह फैसला ऑफिस के अंदर से बिचौलियों को खत्म करने व मॉडल डेट से होने वाली रजिस्ट्री को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया है। आपको बताते चले कि 19 सितंबर से पूरे बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले के साथ पहचान के लिए सरकार ने शुल्क बस की सुविधा मुहैया कराएगी। इसके लिए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन
विभाग ने हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद बीते दिन विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य भर के रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इसकी तैयारी करने का आदेश दिया है। बिहार में अब भिखारियों को मिल रहा रोजगार। अब राज्य में भिखारियों को भीख मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्य भर में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिखारियों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। आपको बताते चले कि अब तक 207 भिखारियों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है, जिन्हें रोजगार के लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि भी दी गई है, जिससे इन लोगों ने भीख मांगना छोड़कर सब्जी अंडा सहित अन्य तरह का दुकान चला रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भिखारी भी हैं जो स्वरोजगार नहीं नौकरी करना चाहते हैं। वैसे लोगों को एजेंसी के माध्यम से सरकारी दफ्तरों में सफाई कर्मी सहित अन्य कामों पर रखा जा रहा है। साथ ही इनके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी विभागों को भी आग्रह किया है कि इन सभी को अपने अपने विभाग में काम करने का मौका दे। साथ ही सभी जिले के DM अपने जिलों में भिक्षावृत्ति निवारण योजना का प्रचार प्रसार करें। प्रदेश में अक्टूबर के मध्य तक जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। बिहार में बारिश का सिलसिला एक बार फिर से शुरू है। बिहार में मॉनसून की बारिश कमोबेश अक्टूबर के मध्य तक जारी रहेगी। मौसमी परिस्थितियां जिस तरह का संकेत दे रही हैं, उसके अनुसार अक्टूबर मध्य तक पूर्वोत्तर भाग में मॉनसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में सितंबर में देश भर में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान किया है। ऐसे में पूरे सितंबर तक बारिश की स्थिति बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राजधानी पटना सहित कमोबेश सभी जिले में बारिश की स्थिति देखने को मिलेगी। देर शाम भी बारिश के बौछार आपको भिगो सकते हैं। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। लोगों से खराब मौसम में खुले में न निकलने की अपील की गई है। ऑनलाइन भी होगा निकाय चुनाव में उम्मीदवारों का नामांकन। निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को विशेष सुविधा मिलने जा रही है। दरअसल बिहार में नगर निकाय चुनाव के दौरान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इसके पूर्व पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहल की गई थी। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले कम हुए हैं, इसके बावजूद भी इस व्यवस्था को लागू रखने का निर्णय लिया गया है। आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी नगर पालिका को आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया है। आपको बताते चले कि ऑनलाइन नामांकन दाखिल किए जाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश के इस रूट से चल सकती है वंदे भारत एक्सप्रेस। बिहार में इन दिनों ट्रेनों की पटरियों पर काम चल रहा है, जिसके बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अब बिहार में भी हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है। बता दें कि देश में दो रूटों पर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, दिल्ली से वाराणसी और दिल्ली से वैष्णो देवी रूट में सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि देश के दूसरे हिस्सों में ट्रेन का संचालन किया जाएगा। दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों का परिचालन किया जाना है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से होकर गुजरेगी। इस रेलखंड में कुल 8 जंक्शन के साथ 77 स्टेशन, 79 लेवल क्रॉसिंग गेट और 7 इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नल होंगे। बता दें कि इस रेलखंड पर वर्तमान में 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती हैं। आने वाले दिनों में इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे पर विचार किया जा सकता है। क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में कुल 18 बच्चों ने मारी बाजी। BSEB की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में टॉप 10 में 18 छात्र और छात्राएं चयनित हुए हैं। इनमें बिहार के अलग अलग 10 जिलों के छात्र और छात्रा शामिल हैं। प्रतियोगिता का आयोजन बिहार बोर्ड परिसर में किया गया था। इसमें 9वीं से 12वीं के छात्र और छात्राएं शामिल हुए। मुख्य अतिथि विकास आयुक्त बिहार विवेक कुमार सिंह ने सभी विजेताओं को बधाई दी। वहीं बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन 3 स्तर पर किया गया है, क्षेत्र स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर। जिला स्तर का आयोजन 25 अगस्त को किया गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हर जिले से 2-2 छात्र शामिल हुए। बुद्ध स्मृति पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है बुद्ध स्मृति पार्क। बुद्ध स्मृति पार्क, जिसे बुद्ध मेमोरियल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, बिहार की राजधानी के पटना जंक्शन के पास फ्रेजर रोड स्थित यह पार्क अपने आप में अद्वितीय है। इस पार्क को विक्रम लाल द्वारा डिजाइन किया गया है और बुद्ध की 2594वीं जयंती पर बिहार सरकार द्वारा विकसित
किया गया। इस पार्क का उद्घाटन 14वें दलाई लामा ने किया था। इस पार्क की खासियत है कि शाम को पार्क में लेजर शो होता है। यह शो रामायण के समय से लेकर आजादी के बाद तक बिहार के इतिहास से जुड़ा है। यहाँ एक मेडिटेशन सेंटर है, स्मृति पार्क, म्यूजियम, स्तूप और बोधि वृक्ष भी यहाँ पर मौजूद है। गांव की अपेक्षा शहरों में ज्यादा है बेरोजगारी। बेरोजगारी के मोर्चे पर चुनौती झेलते बिहार के लिए खुशखबरी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जुलाई के महीने में बेरोजगारी दर 18.8% रही, जो एक महीने में 6% कम गई। राज्य में अगस्त महीने में बेरोजगारी दर 12.8% दर्ज की गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों की माने तो शहरों की तुलना में गांव में बेरोजगारी दर में कमी आई है। शहरी बेरोजगारी दर 24.6% है तो वही ग्रामीण बेरोजगारी दर 10.9% है। इन चार जिलों में जाकर शैक्षणिक स्थिति को जानेंगे शिक्षा के आला अधिकारी। शिक्षा विभाग के तहत संचालित होने वाली योजनाओं तथा शैक्षणिक गतिविधियों की स्थिति जानने के लिए शिक्षा विभाग ठोस कदम उठा रही है। शिक्षा विभाग ने अपने शीर्ष अधिकारियों को मुख्यालय छोड़कर फील्ड में उतरने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शिक्षा सचिव असंगबा चुबा आयो, विशेष सचिव सतीश चंद्र झा, माध्यमिक निदेशक मनोज कुमार तथा प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश की टीम को 7 और 8 को 4 जिलों वैशाली, सिवान, सारण और गोपालगंज में जाकर स्थिति का आकलन कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इन चारों के साथ ही बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के एक एक वरीय अफसरों को भी यह जिम्मा दिया गया है। इन दो एक्सप्रेसवे के निर्माण से खुलेगी मिथिला की आर्थिक समृद्धि की राह। बिहार में सड़क, हाईवे, फोर लेन, बाईपास का जाल बिछाने का मकसद दूसरे राज्य और देश से आर्थिक और व्यावसायिक समृद्धि बढ़ाने की भी है। इसी कड़ी में यूपी और नेपाल सीमा से बनने वाले दो महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे से पड़ोसी देश नेपाल के साथ यूपी और उत्तर बिहार में आर्थिक व व्यापारिक समृद्धि आएगी। एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दरअसल 1,110 किलोमीटर के दोनों एक्सप्रेसवे के निर्माण से आने जाने में सुविधा के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। साथ ही एक्सप्रेसवे से यूपी दिल्ली जाना आसान तो होगा ही, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी के लोगों को गोरखपुर जाने में कम समय लगेगा। यह सड़क नेपाल सीमावर्ती जिलों शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल आदि होकर सिलीगुड़ी तक जाएगी। मेगा स्टार चिरंजीवी ने संचिता बसु को कहा, आप बसु हैं तो मैं भी बॉस हूँ। बिहार के भागलपुर के रहने वाले संचिता बसु सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। उनकी साउथ की फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो का प्रमोशन साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी ने किया था। इस दौरान चिरंजीवी ने भी उनकी खूब तारीफ की। इस दौरान चिरंजीवी ने उनकी फिल्म के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपका नाम संचिता बसु है तो मैं भी बॉस हूँ। यह सुनते ही संचिता हंस पड़ी। बिहार की बेटी संचिता की फिल्म लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बता दें कि यह फिल्म लव स्टोरी पर आधारित है। इस फिल्म के सभी गाने लोगों पसंद आ रही है। आपको बता दें कि संचिता बसु की मां वीना राय नेशनल एथलीट भी रह चुकी हैं। संचिता को लेकर लोग यह कहते हैं कि वह बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रही श्रीदेवी से मिलती जुलती हैं। इस ऐप के लिए बिहार पुलिस को मिला अवार्ड। चक्र ऐप के लिए बिहार पुलिस को फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में फिक्की की तरफ से होमलैंड सिक्योरिटी मसले पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में इस अवार्ड से सूबे की पुलिस को नवाजा गया। इसे विशेष सशस्त्र पुलिस या यातायात महानिरीक्षक MR नायक ने प्राप्त किया, जो इस ऐप के नोडल पदाधिकारी भी हैं। राज्य की पुलिस को अपराध अनुसंधान और शिकायत दर्ज करने की श्रेणी में बिहार को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। आपको बताते चलें कि चक्र ऐप का प्रयोग अपराधियों की पहचान करने, उनका क्राइम रिकॉर्ड रखने और अपराधियों के गिरोह की पहचान करने में किया जाता है। कर्मचारियों को वेतन मिलने में हो रही है परेशानी। बिहार में सरकारी कर्मचारियों को वेतन HRMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाता था, लेकिन तकनीकी खराबी होने के कारण प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन रुक गया है। आपको बता दें कि सितंबर महीने की आज 5 तारीख है और कई विभागों के कर्मचारियों को अभी तक उनका वेतन नहीं मिला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 लाख कर्मियों का वेतन रुका हुआ है।
बता दें कि इस नए सॉफ्टवेयर से वेतन की शुरुआत अगस्त महीने से ही की गई थी। बिहार सरकार की तरफ से जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उसमें कर्मियों के वेतन अवकाश के साथ ही सर्विस बुक को ऑनलाइन करने की बात कही जा रही है, जिसके तहत सबसे पहले सचिवालय के कर्मियों को जोड़ा गया है। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन में धीरे धीरे सभी कर्मियों के खाते में वेतन पहुँचने लगेगा। सरकारी विद्यालयों में होगा बाल संसद का गठन। एक बार फिर से सरकारी स्कूलों में बाल संसद का गठन किया जाएगा। राज्य के तकरीबन 72,000 सरकारी विद्यालयों में बाल संसद पुनर्गठित की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2022-23 में इन्हें पुनर्गठित करने का निर्देश बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के SPD सह शिक्षा सचिव असंगबा चुबा आयो ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। उन्होंने राज्य के सभी जिलों के DEO और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर अपने अपने जिलों के विद्यालयों में बाल संसद का नए सिरे से गठन करना सुनिश्चित करें, साथ ही इसे क्रियान्वित कर रिपोर्ट BEP को भेजें। आपको बताते चलिए कि बाल संसद विद्यालयों में बच्चों का एक मंच है जहां वे अपने विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयों पर खुलकर बातें करते हैं। CM नीतीश बोले, संख्या मायने नहीं रखता, विपक्ष को एकजुट करना है। राजधानी पटना में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में जदयू के कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इस दौरान बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि संख्या कोई मायने नहीं रखती है, विपक्ष को एकजुट करना सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं इस बैठक में पार्टी के नेताओं को पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया गया है। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि जब हम BJP के साथ थे तो बिहार में 40 सीट मिली थी, इस बार जब हम महागठबंधन के साथ हैं तो 40 में 40 सीट जीतने में कामयाब होंगे। बता दें कि इस दौरान जदयू के वरिष्ठ नेता, मंत्री और सांसद मौजूद रहे, साथ ही इस बैठक में 2 दर्जन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ललन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, या हम इसे इस तरह से देखें कि बिहार में पक्ष और विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। बिहार में जारी बयानबाजी से यह लगने लगा कि दोनों ही तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां महागठबंधन BJP को नुकसान पहुंचाने की बात कह रही है, तो वहीं BJP महागठबंधन को क्लीन स्वीप करने की बात कह रही है। आपको बता दें कि इसी महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होना है। इस पर बोलते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि वे एक एजेंडे के तहत बिहार आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं, उनकी यहां दाल नहीं गलने वाली है, बिहार के लोगों को सब पता है। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद से जुबानी जंग जो जारी है, BJP और जदयू की तरफ से लगातार बयानबाजी भी हो रही है। उधर मणिपुर में जदयू के विधायक BJP में शामिल होने के बाद बिहार में सियासत गरमा गई है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने कहा था कि साल 2024 में BJP को 50 सीटों पर समेट देंगे। इस बयान के बाद BJP के नेता गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश 15 से 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2010 में जदयू ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन आज उनकी पार्टी के 43 विधायक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज तक जदयू कभी अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में नहीं उतरी और बात की जा रही है कि PM मोदी को हराने की। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे आयुष योजना के तहत मिलने वाली सैलरी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आयुष योजना के तहत मासिक मुआवजा राशि मिलने के बारे में। दरअसल एक संदेश इस दावे के साथ प्रसारित किया जा रहा है कि सरकार द्वारा अनुमोदित आयुष योजना के तहत मासिक मौद्रिक मुआवजा प्रदान किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। PIV फैक्ट चेक ट्वीट में कहा कि यह संदेश फेक है, भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 1888 को हुआ था। प्रसिद्ध उपन्यासकार वाचस्पति पाठक का जन्म 1905 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर फिरोज पलिया का जन्म 5 सितंबर 1910 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले भारतीय लक्ष्मी नारायण रामदास का जन्म 1933 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा का जन्म 1986 को हुआ था। तमिल भाषा के विद्वान और ख्यात समाज सुधारक चिदंबरम पिल्लई का जन्म 1872 को हुआ था। भारतीय बैंक संघ और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा तैयार ATM के जरिए चेक निर्गम करने की तकनीकी प्रणाली को 2011 में अंतिम रूप दिया गया और आज ही के दिन शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
स्मार्टफोन को सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट करेगा एंड्रॉइड। गूगल ने कहा कि स्पेसएक्स और टी मोबाइल ने स्मार्टफोन को सीधे सैटेलाइट कनेक्टिविटी देने की योजना का अनावरण करने के बाद आगामी एंड्रॉइड 14 यह सब सक्षम करने में हमारे भागीदारों का समर्थन करेगा। 9to5 गूगल की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर गूगल में प्लेटफॉर्म और इकोसिस्टम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिरोशी लॉकहाइमर ने बताया कि कैसे 2008 में पहली शिपिंग वाले एंड्रॉइड फोन पर 3G प्लस वाईफाई से काम करने के लिए एक खिंचाव था। उन्होंने कहा कि अब हम उपग्रहों के लिए डिजाइन कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फोन पर सैटेलाइट कनेक्टिविटी मुख्य रूप से आपातकालीन स्थितियों और सेलुलर डेड जोन से छुटकारा पाने के उद्देश्य से है। रोमांचक मुकाबले में 5 विकेट से जीता पाकिस्तान। एशिया कप 2022 के सुपर 4 के अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने चिर प्रतिद्वंदी भारत को 5 विकेट से हरा दिया। 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने मजबूत शुरुआत देने की कोशिश की, लेकिन युवा स्पिनर रवि बिश्नोई ने अपने पहले ही ओवर में बाबर आजम को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 7 रनों की दरकार थी। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अंतिम ओवर लेकर आए। पाकिस्तान ने लक्ष्य को 1 गेंद रहते हासिल कर लिया। इस तरह पाकिस्तान ने भारत से पिछले हार का बदला ले लिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, किशोर राजा, सुनील लकी, मुटुर रंगीला, मंतोष कुमार, शुभम कुमार, मनोज राम, मंजय कुमार और अमरजीत कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आज शिक्षक दिवस के मौके पर आप अपने पसंदीदा शिक्षक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।